आज हम सीखते हैं कि कैसे हम सिग्नल टर्न सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। देखो, आपकी कार में एक सिग्नल लीवर है, अगर उसको नीचे दबाते हो तो आपके जो बल्ब हैं पीछे वाला वो चलने लग जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि कार को राइट साइड में घुमाना है। अगर ऊपर कर देते हैं तो कार को हमने लेफ्ट साइड घुमाना है। तो ये कितनी दूरी पे घुमाना है, कम से कम आपको लगता है कि 70-80 फुट आपका लेफ्ट राइट साइड में घुमाना है। तो आप सिग्नल लीवर को तथा जैसे ही घूम जाती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, ठीक हो जाती है। अगर आपके सिग्नल लीवर में खराबी है तो आप उसको न्यूट्रल फॉर्म में रख सकते हो। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने गाड़ी ऑन कर दिया है, पीछे आके देख लीजिए, ये देखो, ये इसका मतलब राइट साइड में गाड़ी घूमनी है, लीवर को नीचे किया। अब देखो, आइए नीचे इधर, ये मैंने ऊपर कह दी, इसी न्यूट्रल है, ये इसको ऊपर कह दिया है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी लेफ्ट साइड में घूमनी है, ऊपर करने का मतलब लेफ्ट साइड में घूमनी है। और आगे भी देख सकते हो, आ जाओ आगे, आगे ऐसे बटन होना चाहिए, नीचे देख सकते हो आगे भी एक बटन है। ओके, ये देखो, ये बटन है, उससे आने वाले बंदे को पता लगेगा इस गाड़ी ने लेफ्ट साइड में घूमना है। इसके अलावा अगर ये आपका नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आप नहीं हो रहा, आपने टेस्ट किया, तो आपने क्या है कि बीच में बैठ जाना है, ठीक है, आपने बीच में बैठ जाना है। अगर आपने मान लो कि लेफ्ट साइड में घूमना है, ये देखो, ये वाला हाथ ऐसे कर देना है पीछे वाले के लिए, और आगे अगर आपने राइट साइड घूमना है तो आगे भी ये हाथ दिखेगा, ये हाथ देखो, ये देखो इधर इधर, ये हाथ इधर। अगर आपने लेफ्ट साइड में घूमना है, पीछे वाले को दिखाना है, तो आपने ये जो ये क्लॉक ऐसे होती है ना, ये क्लॉक ऐसे करना है, ऐसे, ये ऐसे हाथ जा रहा है आपका, ये ऐसे क्लॉक जैसे हाथ घुमाने हैं। और अगर सामने सामने वाले दिखाना है, इधर आओ, इधर इधर सामने 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 वाले को दिखाना है, इधर उधर आप आइए, उधर यानी ये हैंड सिग्नल है, यहाँ से ये घुमा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।